करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। उस काम में लगा। कि हमारे देश में कुछ विदेशी कंपनियों ने पानी बेचना शुरू कर दिया, पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्सअप, लिम्का, सिप्रा। आपको मालूम है भारतीय संस्कृति में पानी बेचा नहीं जाता, लेकिन यहां परदेशी कंपनियां 12 रुपए लीटर का पानी बेचती। माने गाय का दूध मिलता 10 रुपए लीटर, पानी मिलता 12 रुपए लीटर। कौन सा देश है और किस देश में आप रह रहे हैं? और ये परदेशी कंपनियों का पानी पी रहे हैं गांव गांव गली गली में। मुझे बहुत दुख होता है कि हिंदुस्तान में 2 लाख गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है। आज भी करोड़ों लोगों को इस देश में पीने का पानी नहीं मिलता और हमारे देश में कुछ परदेशी कंपनियां पेप्सी और कोका कोला बेचकर सैकड़ों करोड़ रुपया कमा के ले जाती। ये पेप्सी और कोका कोला जैसी बोतलों में जानते हैं क्या है? उस बोतल पर साफ साफ लिखा हुआ है, इट कंटेन्स नो फ्रूट जूस, माने उसमें किसी भी फल का रस नहीं है। तो क्या है? सिंथेटिक केमिकल्स हैं उसमें। क्या केमिकल्स हैं? सबसे खतरनाक चीज है पेप्सी कोला कोका कोला में कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी शरीर के अंदर नहीं ले जानी चाहिए। शरीर विज्ञान कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं। हम बेवकूफी करते हैं, पेप्सी पी पी के, कोका पी पी के उसको अंदर ले जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो और खतरनाक चीजें हैं उन बोतलों में, वो क्या है? एक है फॉस्फोरिक एसिड, एक है सोडियम ग्लूटामेट, एक है पोटेशियम सॉर्बेट और उसमें है लेड एसीटेट। ये सब चीजें क्या करती हैं? एक साथ मिलकर ये सब चीजें किडनी फेल कर देती। जितना ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे उतना ही किडनी फेल होने की गंभीरता हो जाएगी। और किडनी फेल होने का क्या कष्ट होता है ये हिंदुस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए आप। हमारे देश के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई। और जब उनकी शक्ल आती है कभी कभी टेलीविजन पे या अखबारों में, तो दिखाई देता है कि उनका पूरा खून निचोड़ लिया है किसी ने। उनको प्रतिदिन 8 घंटे डायलिसिस पर रहना पड़ता है। और 8 घंटे डायलिसिस पे क्या होता है? पूरा खून खींचा जाता है, साफ करके डाला जाता है दोबारा। इतना कष्ट होता है अगर दोनों किडनी फेल हो जाए। भगवान की दी हुई दोनों किडनियां क्यों फेल कर रहे हैं पीपी के, पेप्सी और कोका कोला? और मेरा एक दोस्त है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डॉक्टर है, उसी डिपार्टमेंट में जहां किडनी के ऑपरेशन होते हैं। एक दिन मैंने उससे पूछा कि आजकल क्या हालत है तुम्हारे इंस्टीट्यूट की? कहने लगा भयंकर केसेस आ रहे हैं किडनी फेलियर के। मैंने कहा क्या तुमको लगता है? तो उसने कहा 90% केसेस वो आ रहे हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक पीपी के किडनी फेल करा रहे हैं यंग एज। तो किडनी फेल हो जाए ऐसी चीजें मत पीजिए, और इनमें कुछ भी नहीं है पीने लायक। और इसलिए भी पेप्सी और कोका कोला मत पीजिए कि 70 पैसे की बोतल बनती है और 10 रुपए की बिकती है। 72 पैसे में बनता है कोका कोला, 10 रुपए में बिकता है। और आप याद करिए, हिंदुस्तान में एक सरकार बनी थी 1977 में, उन्होंने कोका कोला को भगा दिया था। मुरारजी भाई देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो कोका कोला को भगा दिया था। क्यों? एक बार मुरारजी भाई देसाई ने कोका कोला की फाइल मंगाई थी, उस समय जॉर्ज फर्नांडीज उद्योग मंत्री थे। तो हुआ क्या था कि कोका कोला की फाइल मंगाई और पूछा कि ये कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या करती है, क्या बेचती है। तो पता चला कि कोका कोला कंपनी आई थी 1966 में 6.5 लाख रुपया लेके आई थी अमेरिका से, और जिस साल मुरारजी भाई की सरकार बनी थी उस साल कोका कोला कंपनी का नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का था। तो मुरारजी भाई ने कहा कि करती क्या, पानी बेचती, उस पानी की हमको जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा भगाओ उसको, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। और कोका कोला कंपनी को नोटिस दिया गया और कोका कोला कंपनी ने हिंदुस्तान छोड़ा। बिना एक पैसे का मुआवजा दिए हुए कोका कोला को भगा दिया था हिंदुस्तान से। वही कोका कोला फिर घुस गया इस देश में, और उसके बाद अब पेप्सी कोला भी घुस गया। और ये क्या कर रहे हैं? एक साल में पेप्सी कोला कंपनी का नेट प्रॉफिट 240 करोड़ रुपए का है और कोका कोला कंपनी का एक साल का नेट प्रॉफिट 260 करोड़ रुपए का है। एक साल में इन दोनों कंपनियों का 2000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट ड्रिंक बिकता है हमारे मार्केट में। पैसा बर्बाद हो रहा है।
और पहले क्या था कि कुछ हमारी स्वदेशी कंपनियां भी थी, अब इन दोनों कंपनियों ने सबको हड़प लिया। हमारी एक कंपनी थी पार्ले जो थम्सअप और लिमका बनाती थी, वो चली गई अब कोका कोला के कंट्रोल में। क्या हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए बेवकूफी में बर्बाद हो रहे हैं देश की इकोनॉमी के। हम क्या करें, पेप्सी और कोका पीना बंद करें। और कभी भी आपके हाथ में पेप्सी और कोका कोला की बोतल आए तो बोतल को मुंह से लगाने के दो मिनट पहले सिर्फ इतना सोचिए कि मेरे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं, करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, मैं ये परदेशी कंपनी का पानी पीऊं। और तब आपके हाथ से अगर बोतल छूट जाए और गिर जाए तो आपसे बड़ा देशभक्त इस समय कोई दूसरा नहीं है। मेरे लिए देशभक्ति की अब एक ही परिभाषा है कि आप अगर विदेशी कंपनियों का माल खरीद रहे हैं और पैसा देश के बाहर जा रहा है और ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं है तो मुझे आपकी देशभक्ति पर संदेह है। तो ऐसा काम मत करिए, हिंदुस्तान को बचाना है। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां हर साल हमारे देश से 70,000 करोड़ रुपए लूट कर ले जाती हैं। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, उल्टे बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है। तो ऐसे समय में हमको एक एक पाई बचानी है इस देश की। तो आपको मैं ये निवेदन करने आया कि अपने घर से ये अंग्रेजियत भगाइए, माने विदेशी कंपनियों के सामान खरीदना बंद करिए और ज्यादा से ज्यादा बन सके उतने वो सामान खरीदिए जो प्रकृति से सीधे मिलते हैं ताकि पैसा किसान के पास जाए।